Hello students, in the last lecture we had done Newton's first law and Newton's second law and their applications. Today we will do Newton's third law. What does Newton's third law say? Action and reaction are always equal and opposite in direction. Means, agar ek suppose karo hamare paas do object hai, agar first object koi force lagata hai kisi dusre second object ke upar, to to Newton third law kya kehta hai ki second object bhi first object ke upar utne hi value ke sath force lagayega, but in an opposite direction. Clear? To yahan pe humne isko explain karne ki example liya, wo spring ka spring humne dekha tha, hamare paas ek spring balance hota hai, theek hai, sabne dekha hoga ye ki kya kya hoga agar do spring hai a and b, b ko humne deewar ke sath baandh diya aur a ko b ke sath jab connect kiya to humne a ko se stretch kiya. स्ट्रेच करने के बाद जब दोनों स्ट्रेच हो गए, जब ये वाला स्प्रिंग इसको स्ट्रेच करके खींचेगा तो दोनों की जो वैल्यूज आई है, फिर दोनों की जो रीडिंग्स आई है वो बिल्कुल सेम आई है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन. तो यहाँ से कहते हैं जिस स्प्रिंग होती है, हमने इसको स्ट्रेच किया, इसका जो फोर्स था जब बी के ऊपर लगा तो उतना ही आया जितना कि बी जो था वो ए के ऊपर लगा रहा था. मीन्स कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में. अगर हम किसी चीज़ को अपने हाथों से हिट करते हैं, मारते हैं, तो आपने फील किया होगा कि आपको भी बदले में उतना ही ज़्यादा फोर्स जो है, प्रेशर जो है, वो फील होता है, आपको भी उतना ही हर्ट होता है जितना हम लोग किसी और को मारकर हर्ट करते हैं. तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. कभी भी मतलब अपने हैंड को हिट करते देखो किसी बेंच के ऊपर, टेबल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपने अगर हिट करा है तो आपको कुछ फील नहीं होगा, बदले में आपको उतना ही ज़्यादा हर्ट फील होगा, उतना ही आपकी बॉडी के ऊपर आपको फोर्स जो है वो फील होगा. अब कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के. फर्स्ट है रिकॉइल ऑफ अ गन. मतलब जब भी हम फायरिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब हम फायर करते हैं ना, जैसे बुलेट बाहर निकलती है गन से तो हमारे शोल्डर्स पे एक जर्क मिलता है, एक झटका मिलता है. वो क्यों होता है? क्योंकि बुलेट आगे निकल रही है लेकिन वो बदले में अपने को हमने फोर्स लगा के बुलेट को मतलब हमने उसको फायर किया है, जो गन के ऊपर फोर्स लगाया है, बदले में बुलेट भी गन के ऊपर एक फोर्स लगा के जाती है. क्या तो उससे क्या होगा, हमारे शोल्डर को पता लगता है, फील होता है कि फायर जो है वो हो चुकी है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था. सेकेंड है, अगर कोई भी जैसे कि अगर हम किसी बोट से निकलते हैं और सरफेस ग्राउंड के ऊपर हम लोग आते हैं, तो जैसे ही हम लोग अपना फर्स्ट जो फुट है इधर रखते हैं, ठीक है, हम इसको पुश करके जाते हैं तो अपने को फील क्या होता है, अगर जैसे आपको ये कोई बॉय दिखाई दे रहा है, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो इसके ऊपर अपना एक पैर रखता है, दूसरा पैर अपना वो जैसे ग्राउंड के ऊपर रखता है तो जो ये वाला बोट होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ा है. ठीक है, उसके पैर उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है. तो अगर कोई चीज़ जैसे कि इसका और कॉमन एग्जाम्पल है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, हम लोग चल फिर सकते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, क्यों? अगर हम लोग चलते हैं, हम अपने पैरों के साथ ग्राउंड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड बदले में हमें क्या करता है, फोर्स देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं. आप लोग चल के देखना, जैसे ही हम लोग चलते हैं हमारा जो पैर होता है पीछे वाला पैर है, ग्राउंड को पीछे की तरफ एक फोर्स देता है और बदले में ग्राउंड अपने को आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स देता है. तो एक ये कॉमन एग्जाम्पल था. कहते हैं कि हमारे पास स्कूल
डार्ट वाली गेम है उसमें सपोज करो दो बॉल्स ले लो ए एंड बी, एक का मास फर्स्ट बॉल का मास एम ए है, सेकंड का एम बी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसकी यू बी है, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ दोनों बॉल्स आई, हम लोगों ने ऐसे स्टिक के साथ इनको स्ट्राइक करवाया, दोनों एक दूसरे के टच में आई, ठीक है, ये एफ बी ए एफ ए बी, ये एक बॉल का फोर्स दूसरे के ऊपर और दूसरे का फोर्स पहले के ऊपर, ये फोर्स दिखा रहे हैं, फिर जैसे ही दोनों बॉल्स आपस में टकराई टकराने के बाद वो फिर से अलग होती है, ठीक है, अलग होने के बाद उनका मास तो कभी भी चेंज नहीं होगा इस चीज का, वो सेम है, लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये चेंज होगी, बी ए एंड बी बी, ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज आती है। हम लोगों ने कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, क्या प्रूव करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, सम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, मतलब बिफोर कोलिजन टकराने से पहले दो बॉल्स का या किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब दिस मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम, दोनों बॉल्स का जो टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दिस प्लस दिस, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, कोई भी दो बॉल्स मान लेते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक का मास ले लो तो उनके मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए यू ए, ए के मास इनटू वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, एम बी यू बी, इसका क्या हो जाएगा, एम ए बी ए, एम बी बी बी, ठीक है, तो ये हमारे मोमेंटम हो गए। जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, फिर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं, उसमें चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, मतलब फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ऑफ बॉल एम ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी एम बी 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 दिस एंड दिस, यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या करते हैं, रेट करवाते हैं उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देते, इसमें एम ए हमारा कॉमन आ गया, हमने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद बी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी, ये हमारे पास पड़ा है, सेम ऐसे हम बॉल बी के लिख देंगे, बी बी माइनस यू बी बाय टी। अब हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन और रिएक्शन होते हैं दोनों फोर्स ही होते हैं, तो एफ सपोज करो ए का जो फोर्स एफ वन है दूसरे का एफ टू है, तो एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, माइनस टू लिखा क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, तो इस हमने इन दोनों की जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर पुट कर देती है, क्योंकि जो इनका रेट होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, बी ए माइनस यू ए बाय डी इज इक्वल टू माइनस एम बी 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 माइनस यू बी बाय टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, इनको हम लोगों ने क्या किया एम ए बी ए, इनको रीअरेंज करेंगे तो एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आता है रेड वाला, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, मतलब ये बिफोर कोलिजन हो गया टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, तो ये एक हमारे पास एक तरीके से प्रूव हो जाता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल, ये दोनों वैल्यूज होती है हमेशा हमारी इक्वल रहती है। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर टू, यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था चैप्टर टू का वो भी खत्म होता है, न्यूटन थर्ड लॉ तक और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।